नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी। आप देख रहे हैं इस वक्त हो गया है खबरों की खबर। क्या चमोली में आए हिमस्खलन की वजह महत्वाकांक्षी ऋषि गंगा पनबिजली परियोजना है, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने 2005 में ही किया था। क्या इस परियोजना के लिए पहाड़ों को काटे जाने की वजह से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा है और यह हिमस्खलन हुआ है? क्या जिस तरीके से बिल्कुल नदी के किनारे पत्थर तोड़े गए, उस वजह से यह हादसा हुआ है? क्योंकि चमोली जिले में रविवार को हुए हादसे से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मई 2019 में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने के बाद राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूरी परियोजना पर सफाई देने को कहा था। उस जनहित याचिका में कहा गया था कि चमोली के रेणी गांव में प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले तरीके से पहाड़ काटे जा रहे हैं, जिससे पूरा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है। हाई कोर्ट के जस्टिस रमेश रंगनाथन और जस्टिस आरसी खुलबे की बेंच ने राज्य सरकार को पूरी जानकारी देने के लिए भी कहा था। क्या कहा था अदालत ने इस पूरे याचिका पर? रेड़ी गांव के निवासी कुंदन सिंह ने जनहित याचिका में कहा था कि पनबिजली परियोजना बनाने वाली कंपनी 2005 से ही वहां गलत तरीके से काम कर रही है। वह नदी के किनारे के पत्थरों को जिस तरह से तोड़ रही है, वह प्रकृति के लिए नुकसानदेह है। जनहित याचिका में यह भी कहा गया था कि इस निर्माण कार्य की वजह से पास के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के जानवर वहां से डरकर भाग गए और रेड़ी गांव तक आ गए। उस इलाके में रहने वाले आदिवासियों ने भी कहा था कि इस पर बिजली परियोजना की वजह से उनके मूल स्थान, रहन सहन और आजीविका पर बेहद बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने भी प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने की चेतावनी दी थी। आईआईटी कानपुर वाडिया स्टैच्यू ऑफ हिमालयन जियोलॉजी उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और एचएमबी गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने 1980 से लेकर 2070 के बीच उस इलाके के ग्लेशियर में हुए बदलाव पर अध्ययन किया था। इस अध्ययन के मुताबिक 1980 में ऋषि गंगा कैचमेंट एरिया के 690 किलोमीटर क्षेत्र के 243 किलोमीटर यानी 35% हिस्से में ग्लेशियर था। यह 2017 में घटकर 217 किलोमीटर में सिमट गया, यानी ग्लेशियर 26 किलोमीटर सिकुड़ गया। अब उस इलाके के सिर्फ 26% हिस्से पर ग्लेशियर है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मानव गतिविधियों और तापमान बढ़ने की वजह से ग्लेशियर सिकुड़ रहा है, यह ट्रेंड जारी है। इस रिपोर्ट में यह भी नहीं कहा गया है कि पनबिजली परियोजना की वजह से ही ऐसा हो रहा है, लेकिन परियोजना शुरू होने के बाद इसमें बढ़ोतरी हुई है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब आपको बता दें कि क्या है ऋषि गंगा प्रोजेक्ट। उत्तराखंड के चमोली जिले में बन रही ऋषि गंगा पनबिजली परियोजना है, जिसमें नदी के प्रवाह के जरिए बिजली बनाने का काम चल रहा था। यह परियोजना ऋषि गंगा नदी पर बनाई जा रही है और यह नदी धौली गंगा में मिलती है। ऋषि गंगा जिस जगह धौली गंगा में मिलती है, वहां बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। ऋषि गंगा पनबिजली परियोजना के तहत 63,520 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। यह देश की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना है। इससे जो बिजली पैदा होगी, उससे पूरे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई इलाकों को बिजली दी जा सकेगी। अब बात करते हैं क्या प्रकृति से छेड़छाड़ किया गया है, जिसके बाद ये हिमस्खलन हुआ है। ऋषि गंगा परियोजना 2005 में शुरू की गई थी। पहले यह कहा गया था कि नदी मार्गों यानी नदियों के प्रवाह से किसी तरह की छेड़छाड़ी नहीं की जाएगी। यह भी कहा गया था कि नदी के किनारे पर विस्फोट नहीं किया जाएगा। इसकी वजह यह है कि जोशीमठ चमोली से होकर बहने वाली पहाड़ी नदियां धौली गंगा, अलकनंदा प्राकृतिक धरोहर है। ये नदियां गंगा समेत दूसरी नदियों में पानी का प्रभाव बढ़ाती है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि यहाँ की जमीन बिजली परियोजना जैसा कि बड़ी परियोजना के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। यहाँ की जमीन सीली, नमयुक्त, पहाड़ी, पथरीली और कमजोर है। इस पर बड़ा और ठोस निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ नदियां कई परतों से होकर बहती हैं। 2005 से ही इस प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है। स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों ने इस परियोजना पर 2005 से ही विरोध शुरू कर दिया था। इसे प्रकृति के खिलाफ ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से ही टिकाऊ नहीं माना गया था, लेकिन तमाम विरोध को दरकिनार करते हुए इस परियोजना को हरी झंडी मिली और निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसके बाद भी लोगों ने विरोध जारी रखा, मामला अदालत तक गया, पर सब कुछ होने के बावजूद परियोजना नहीं रोकी गई। अब जबकि वह परियोजना ही हिमस्खलन की चपेट में आ गई है और रेड़ी गांव में उसके ही कर्मचारियों के पानी में बह जाने की रिपोर्ट आ रही है, तो सवाल यही उठता है कि क्या आखिर परियोजना से जुड़े लोग इस पर कुछ विचार करेंगे या पहले की तरह ही इस पर काम चलता रहेगा।
तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से कल उत्तराखंड में ये हिमस्खलन हुआ है, ये सभी के लिए तबाही का संदेश लेकर आया है और कई लोगों ने अपनी जिंदगी इसमें यूं ही तबाह कर दी है। तो यदि मराठी खास खबरों के लिए बनी रही खबरों की खबर में, तब तक ले नमस्कार।